जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास बोर्ड पे होगी, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रायंगल्स के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ कि आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ चुके होंगे। कल मैंने वन शॉट वीडियो आपको पढ़ा रखा है, कल मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा, फिर उसके बाद अपनी एनसीईआरटी को सॉल्व भी किया होगा, क्योंकि अब इतना टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है कि आप चार चार दिन पाँच पाँच दिन एक एक चैप्टर को पढ़े, ठीक है। तो स्पीड के साथ काम करिए, टारगेट रखिए कि हमें 40 out of 40 स्कोर करना है, और उसके लिए तैयारी करते चलिए। तो आज हम सफलता बैच में करने वाले हैं एमसीक्यू ऑफ किसका, ट्रायंगल्स का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हर चीज पढ़ेंगे आप प्रॉपर तरीके से, और ये जो आपका टारगेट है 40 out of 40 आप उसको अचीव भी करेंगे। तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे ही ऐप पर, हमारे ऐप पर सफलता टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसका मैथमेटिक्स का टेस्ट आज कंडक्ट कराया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे उसको अपीयर हो चुके हैं उस टेस्ट में। आप भी चाहे तो इनरोल कर सकते हैं और पार्ट टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद फुल टेस्ट आपके एग्जाम पैटर्न पर आपको मिलेगा, उसके बाद सैंपल पेपर मिलेगा। सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 149 rupees पे करना है। कितना? 149 rupees। तो ये आपको रैंकर्स लाइव के ऐप पर मिल जाएगा। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी सभी के पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। और विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश, एंड विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। इस चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, आपको बहुत फायदे मिलेंगे। तो पहला एमसीक्यू देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ जाए, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने कल पढ़ लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होगे मेरे साथ साथ। अब ये पाइथागोरस थ्योरम, हर टॉपिक को मैंने आपको कल डिटेल में समझाया था। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपको प्रॉपर विजिबल होंगी, हर चीज कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और मैं उसको डिस्कस कर सकता हूँ। तो इन द फिगर ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। राइट एंगल एट सी का मतलब इस पर कितना है? 90 degrees। देयरफॉर कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा? अब ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो आपको, आपके दिमाग में पहली चीज क्लिक क्या करनी चाहिए कि भैया यहाँ पर तो AC² जो होगा वो BC² के बराबर होगा, और सॉरी AC² प्लस BC² इक्वल टू क्या होगा? AB². ये कौन से थ्योरम के कारण हुआ है? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब आपको ये भी कहा है कि ये आइसोसेलस है, इसका मतलब AC जो है वो BC के बराबर है। इसको पुट कर दीजिए, AC प्लस BC की जगह आप AC ही लिख सकते हैं, AC² इक्वल टू AB² अब ये क्या हो गया? 2AC² इज इक्वल टू AB² देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है? 2AC² इक्वल टू AB² यस, ऑप्शन नंबर ए ही यही है आपका। तो उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसको लगाया होगा और आपसे बिल्कुल सही हुआ होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इन द फिगर इफ ट्रायंगल BAC इक्वल टू 90 degrees, AD परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो आपको यहाँ पे क्या दिखाना होगा भैया? सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। आप कैसे दिखा सकते हो? एक तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का सिमिलरिटी दिखा सकते हो, एक तो आप इस ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल का दिखा सकते हो, इस ट्रायंगल का इस बड़े वाले ट्रायंगल का दिखा सकते हो। सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB की मैं बात करूं तो आप क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हो? कितना आएगा? आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल उठाओ ABC, ये अगर 90 है तो ये वाला कितना होगा? कहोगे भैया ये होगा 90, तो ये वाला होगा आपका एंगल B और ये वाला एंगल C, तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस 90 इक्वल टू क्या होगा? 180। तो यहां से एंगल B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 माइनस एंगल C, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस एंगल C, क्लियर है। अगर इसी तरह से मैं आपको कहूं कि सिर्फ आप ये वाला ट्रायंगल पकड़िए, ये वाला ट्रायंगल, तो ये 90 है, ये C है, ये आपका कोई एंगल है, ये कौन सा है? DAC। तो ये वाला एंगल निकल के कितना आ जाएगा? कहोगे भैया ये एंगल DAC प्लस एंगल C प्लस 90 degrees इक्वल टू 180 degrees। तो ये हो गया आपका एंगल DAC इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल C। ये हम लोग क्यों प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि हमें सिमिलर दिखाने के लिए AA मिल जाए। क्या मिल जाए? AA। अब आप कह सकते हो कि भैया ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी एक 90 माइनस C है, इसमें भी एक 90 माइनस C है, इसमें भी एक 90 है,
तो ये भी 90 होगा। तो भाई डबल ए क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि बी ए डी और सी ए डी क्या है ना, आपके सिमिलर ट्रायंगल है। अब यार देखो नेमिंग लिखने में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि यार भैया नेम कैसे लिखे, तो नेम लिखने के लिए कभी भी परेशान मत हुआ करो। नॉर्मली मान लो हमने लिख दिया यहां पर ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल 90 पे था तो सी डी ए एंड ट्रायंगल सी डी ए। अब आपको कुछ करना नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है, 90 माइनस सी के सामने वाली जो साइड है उसको ऊपर लिखिए। मान लो ये ट्रायंगल आपने पहले लिखा है तो ऊपर इसको लिखेंगे, तो ये वाली साइड कौन सी है, ए डी। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे जहां पे इसमें 90 माइनस सी है इसके बराबर जो एंगल है उसके सामने वाली साइड, दैट इज सी डी। क्लियर है, इज इक्वल टू, अब यहां पे 90 ये है तो 90 के सामने वाली साइड ये है ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन। अब इसी तरह इसमें 90 के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ए सी। ठीक, अब इसके बाद जो बचता है आपका कौन सा बचता है, बी डी और सी डी। अब यहां से उठा लीजिए क्या प्रूफ करना है। अब आप देखिए इसमें बी डी इंटू सी डी इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ रहा है, या फिर आप कौन से वाले से प्रूव कर सकते हैं एक बार देख लीजिए। क्या एक बार मैं देख लेता हूं क्या हमने कोई गलती तो नहीं की, ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, और बी डी अपॉन सी डी नहीं होगा, बी डी अपॉन, क्योंकि ये वाले एंगल है, ये वाला जो बचा हुआ एंगल है इसके सामने ये वाला एंगल है, दैट इज ए डी। ये गलती हुई थी, क्यों, क्योंकि हमने ये बचे हुए एंगल, जो एंगल ये बच रहा है इसके और इसके अलावा ये एंगल, इसके सामने की साइड ये, तो इसके और इसके अलावा कौन सा एंगल बच रहा है, ये वाला एंगल, तो इसके सामने की साइड ये, तो ये वाली साइड नीचे लिखेंगे। अब कंपेयर कर लेंगे इसको और इसको, तो यहां से आ जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। क्लियर है क्या, ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को, उम्मीद करता हूं। तो अब देखिए ऑप्शन में कौन सा है, ये बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, इन इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीएफ। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी इज नॉट सिमिलर टू डीईएफ, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ईडीएफ के। तो जैसा नाम लिखा गया है उसी तरह करेस्पोंडिंग साइड का रेशियो लिख लेते हैं, ए बी अपॉन ई डी जो होगा वो बराबर होगा बी सी अपॉन डी एफ, वो बराबर होगा ए सी अपॉन ई एफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए बी इंटू, अब आप देख लेंगे कि ए बी इंटू डी एफ इजिकल टू बी सी इंटू, ये वाला चेक करते हैं, बी सी इंटू ई एफ, बी सी इंटू ई एफ और ए सी इंटू डी एफ, तो मतलब ये वाला तो ट्रू है। इसी तरह ए बी इंटू ई एफ, ए बी इंटू ई एफ, ए सी इंटू डी, ये वाला भी ट्रू है। थर्ड चेक करते हैं, बी सी इंटू डी, बी सी इंटू डी, ठीक है, ए बी इंटू ई एफ, ए बी इंटू डी एफ होना चाहिए, ये ई एफ दिया हुआ है, तो यही वाला जो है वो ट्रू नहीं है, इसलिए बबल कहाँ भरेंगे, ऑप्शन नंबर सी में। इसको चेक करेंगे, बी सी इंटू डी, बी सी इंटू डी इज इक्वल टू ए बी इंटू एफ डी, तो ये वाला भी ट्रू है। तो कौन सा ट्रू नहीं है, सिर्फ ये वाला। डन, चीजें समझ में आ रही है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीईएफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी एंड एबी इक्वल टू 3D, देन द टू ट्रायंगल्स आर। देखिए ट्रायंगल एबीसी में मान लेता हूं ये है और ये मैं मान लिया ट्रायंगल डीईएफ। अभी कह रहा है कि एबी जो है वो 3 times ऑफ डीई है, मतलब एबी अपॉन डीई की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 3/1। एक तो ये चीज दी गई है और दिया गया है कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, एंगल एफ जो है वो एंगल सी के बराबर है, ये वाला एंगल इसके एंगल बराबर है, तो ऑब्वियसली डबल ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, डबल ए क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर। क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर ये सिमिलर है तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू डी ए, हियर ए बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू 3/1, ए बी जो है वो डी ए का 3 गुना है, तो ये सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर 5,
इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूआरपी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन ट्रायंगल क्यूआरपी इक्वल टू 9/4, एबी इक्वल टू 18 एंड बीसी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन पीआर इज इक्वल टू क्या होगा? अगर भाई ये सिमिलर है तो आप यहां से ये लिख सकते हो, एबी अपॉन क्यूआर जो होगा वो किसके बराबर होगा? बीसी अपॉन आरपी के और एसी अपॉन क्यूपी के, ठीक है? चलिए ठीक है। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी भैया जो होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूआरपी के जो सिमिलर आप दिखा रहे हैं क्यूआरपी के, तो ये होता है भैया एबी अपॉन क्यूआर का होल स्क्वायर, और इसी तरह इन सब का भी होल स्क्वायर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई, एबी अपॉन क्यूआर का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है? 9/4। तो एबी अपॉन क्यूआर किसके बराबर होगा? 3/2 के। क्लियर है? अब कह रहा है कि एबी जो है वो 18 है, तो आप क्या क्यूआर निकाल सकते हो यहां से? बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया, ये 18 है तो क्यूआर कितना हो जाएगा? 3 × 6 = 18 और क्यूआर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। लेकिन क्या आपसे क्यूआर की वैल्यू पूछी गई है? बिल्कुल नहीं, ये 12 सेंटीमीटर होगा। अब आपसे पूछी गई है पीआर की वैल्यू, तो आप इसको कंपेयर करेंगे, एबी अपॉन क्यूआर इज इक्वल टू बीसी अपॉन आरपी, ठीक है? तो एबी की वैल्यू कितनी हो गई भाई? एबी की, एबी अपॉन क्यूआर की वैल्यू 3/2 और बीसी अपॉन आरपी, आपको बीसी की वैल्यू दी गई है 15, आरपी आपसे पूछा जा रहा है, अब इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? बिल्कुल नहीं। 3 × 3 = 15, तो आरपी की वैल्यू निकल के क्या आ रही है भाई? आरपी की वैल्यू निकल के आ रही है 10 सेंटीमीटर। डन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी बच्चों को, उम्मीद करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। टू पोल्स ऑफ हाइट 7 मीटर एंड 15 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। प्लेन ग्राउंड पर एक 7 मीटर का पोल और एक 15 मीटर का पोल खड़ा है, ठीक है? चलिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 6 मीटर, अगर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर, देन डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स क्या होगा? इसके बीच में टॉप क्या होगा? तो इसको आप मिला लेंगे। अब आप ये बताइए, स्ट्रेट खड़े हैं तो ये वाला भी कितनी होगी? 6 मीटर होगा। ये 90 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट है, तो यहाँ ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये 6 है, ये 7 है, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा? 7 होगा। तो यहां से यहां तक कितना होगा? 8 होगा। ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए भाई। मान लेते हैं ये x है, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8² + 6², तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? कहोगे 10² तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ये तो आपको ट्रिपलेट से याद होंगे, ठीक है? चलिए 10 मीटर। डन, क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी के, इफ एसी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड एडी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बीडी कितना होगा? चलिए एक मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूं यहां पे। ये है मेरा ए बी सी, बी पर 90 डिग्री है, ठीक? अच्छा, बी डी जो है परपेंडिकुलर टू एसी है, मतलब ये कुछ ऐसे होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? ये आपका बी डी होगा, ये एसी पर परपेंडिकुलर हो गया। कह रहा है कि ये एसी जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक? एडी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो भैया सीडी कितना होगा? सीडी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। क्या ये चीज क्लियर है? ये 9 है, ये 3 है, तो ये 6 होगा ही होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बीडी कितना होगा। क्या पूछा जा रहा है भाई? बीडी कितना होगा ये वाली लेंथ? अब आपको कुल मिला के कुछ करना नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब ध्यान ये रखिएगा कि ये भी 90 डिग्री है, तो एक बार पाइथागोरस लगाइए ए डी बी में। तो यहां पे आप कह सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क को हमने लिख दिया x, तो x स्क्वायर प्लस ये 3 है तो 3² = 9 इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर, ठीक है? इसी तरह आप यहां पे भी पाइथागोरस लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बी सी स्क्वायर। अब आप एक काम और कर सकते हैं कि इस पूरे ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर, ठीक है?
तो भैया ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9। बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 36। ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है भैया, कहोगे भैया 9 9 81। तो 36 और 9 45, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया आपका 36 और 9 45। 81 में से 45 को घटा दीजिए, 45 दूना 90 आता है, 45 में से 9 गया आपका 36। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 18। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√2 सेंटीमीटर। बढ़िया सवाल था, कुछ करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल में, एक बार नीचे वाले ट्रायंगल में, एक बार पूरे ट्रायंगल में, सबको एक साथ मिलाकर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3√2। ठीक है, 3√3 पे मत क्लिक कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी में एबी जो है 6√3 सेंटीमीटर है, एसी जो है 12 सेंटीमीटर है, बीसी जो है 6 सेंटीमीटर है, बताइए कि एंगल बी कितना होगा। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है हमारा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी की वैल्यू आपको 6√3 सेंटीमीटर दी गई है, ए सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी गई है, बी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई है। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, पाइथागोरस लगा के देख लीजिएगा, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। देख लीजिए एक बार, 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर कितना आएगा, ये तो हो जाएगा 6 4 के 36, ये हो जाएगा 36 108, ये हो जाएगा 144, और ये इसके बराबर होगा 12 के स्क्वायर। मतलब बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। किस पॉइंट पर राइट एंगल होगा, कहोगे भैया बी पर, तो ये एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है, सीबीएसई 2020 का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर 35 और 45 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर। देखिए अब इसके बाद आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो अब आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से आपने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये क्या होता है, जो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। क्लियर है, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान ये रखेंगे पेरीमीटर क्या होता है, अगर पेरीमीटर का रेशियो निकालना है ट्रायंगल एबीसी का, तो जो साइड का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, आप समझ लीजिए, अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे मेरे साथ तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अभी क्या आ रहा है इसके बाद, अब आपको दिया गया है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 35/45, इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 7 35 5 9 45, दैट इज 7/9। मतलब आपको साइड्स का रेशियो पता चल गया, अब एरिया निकालना है तो क्या निकाल लोगे, इसमें किसी में भी पुट कर दो तो ये हो जाएगा 49/81, आंसर क्या हो जाएगा, 49/81। बढ़िया सवाल था, मजा आया, चीजें समझ में आ रही है, आपने एक नया चीज सीखा, पेरीमीटर का रेशियो क्या होता है, जो साइड का रेशियो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेलेशन और रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से लगाएंगे, अगर एसेलेशन सही होता है और रीजन भी सही होता है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तब तो आप ऑप्शन ए पर क्लिक करेंगे, अगर दोनों सही है लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो आप ऑप्शन बी पर क्लिक करेंगे, अगर एसेलेशन सही है रीजन गलत है तो आप सी पर करेंगे, एसेलेशन गलत है और रीजन सही है तो आप डी पर क्लिक करेंगे। यही चार ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फिर भी आप इंस्ट्रक्शन को जरूर एक बार पढ़िएगा। चलिए, एसेलेशन में आपसे कहा जा रहा है ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर है और एबीसी का एरिया इतना दे दिया गया, पीक्यूआर का एरिया इतना दे दिया गया, एबी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो पीक्यू की वैल्यू कह रहा है 10 होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर एरिया 36/49 है तो भैया ये ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, ये स्क्वायर के बराबर होगा तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होगा 6/7। ए बी की वैल्यू उन्होंने दे दी 6, तो भैया अगर ए बी की वैल्यू 6 दी है तो पी क्यू की वैल्यू तो 7 होनी चाहिए, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, तो एसेशन यहाँ पे गलत साबित हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपको एसेशन गलत मिलता है रीजन ऑटोमेटिकली आपको सही मिलेगा ही मिलेगा,
क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा उनके पास, ठीक है। तो रीजन कह रहा है इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ देन, बिल्कुल ये सही लिखा गया है, ठीक है। चलो तो यहां पे ऑप्शन कौन सा क्लिक करेंगे, डी वाला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री इफ AD square equal to AB square plus BC square plus CD square, then angle ACD is equal to 90 degree. ये आपको प्रूफ करना है, किया जाए। चलिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं ये है, मान लेते हैं ये A है, मान लेते हैं ये A है, B है, क्वाड्रिलेटर ऐसे ही बना देता हूं, C है, D है, ठीक। एंगल बी कह रहा है 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। AD स्क्वायर किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के बराबर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ACD मतलब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना है। तो मेरे दोस्त क्या आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं भैया। यहाँ पे हम BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, बाय कौन से थ्योरम, बाय कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से ये प्रूव होता है कि ये वाला 90 डिग्री होगा। तो ये कितना है, बिल्कुल एसोसिएशन सही है, समझ में आया भाई। अरे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ये वाली चीज हमने उठा के यहां पुट कर दी, ये AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आ गया। अब ये AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर कब पॉसिबल है, ये जब A हो, C हो, D हो, ये 90 हो, तो ये AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, वही चीज तो यहां लिखी हुई है, ये बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पे आपको दिखाई देता है। क्लियर, रीजन पढ़िए। In a triangle, if the square of the one side is equal to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite to the first side is right angle. बिल्कुल, जो इसका square अगर other two sides के बराबर है, तो angle opposite to this side is 90 degree. तो ये है आपका Pythagoras theorem. अरे sorry, converse of Pythagoras theorem. ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी converse से हमने इसको prove भी किया है। तो यहाँ पे assertion भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम क्लिक किस पर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए पर, डन। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ बी। अगर ये आइसोसेलस है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्लियर है। ये हाइपोटेनस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 रूट 2 सेंटीमीटर, क्लियर। बहुत इजी सवाल था। चलिए अब आपके सामने केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, ये 13 फिर से कैसे आ गया, अच्छा 12 ही था। चलिए, राहुल इज स्टडिंग इन क्लास 10th स्टैंडर्ड, ही इज मेकिंग ए काइट टू फ्लाई इट ऑन संडे, फ्यू क्वेश्चन केम टू हिज माइंड वाइल मेकिंग द काइट, गिव आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द फिगर। ये उन्होंने काइट बनाया है एक बंदे ने, राहुल टाइड द स्टिक एट व्हाट एंगल टू ईच अदर, ये जो स्टिक है ये जो इसको किस एंगल पर इन्होंने टाइट करके बांधा है। तो ऑब्वियसली काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। दूसरा, विच इज द करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया applicable for the smaller triangle at the upper part of this kite, RHS, SAS, SSA या SAAS। तो similarity criteria आपने क्या पढ़ी है भाई, या तो SSS, या तो SAS, या तो AA, ठीक है। तो अब आप ये याद रखिएगा कि अगर ये triangle है तो एक तो ये 90 degree होगा, ठीक, ये आपका एक common side होगा, और कौन से side बराबर होते हैं, एक ये वाली side, ठीक है, ये साइड इस साइड के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि ये वाले जो डायगोनल होती है, बड़ी वाली डायगोनल, ये छोटी वाली डायगोनल का बाइसेक्ट भी करती है, परपेंडिकुलर यहां बनता भी है और बाइसेक्ट करती है। तो ये साइड
ये साइड आपस में रेशियो बराबर हो गए इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन देम, तो क्राइटेरिया कौन सा हुआ, एस ए एस, डन, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, इसी का, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:9, करेस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो। ध्यान ही रखिएगा, साइड्स अगर जिस रेशियो में होते हैं उसी रेशियो में आपके मीडियंस भी होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू अदर साइड, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल, दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज, कौन से नाम से हम इसको जानते हैं, दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में ये अगर 90 डिग्री है तो सम ऑफ द टू अदर साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ टू अदर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बिगर साइड, ठीक है, थर्ड साइड। नेक्स्ट, What is the area of the kite formed by the two perpendicular stick of length 6 cm and 8 cm? ये diagonal का length है, तो आपको पता होना चाहिए कि kite के area निकालने के लिए आप क्या करते हैं, half d1 into d2। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में केस बेस्ड के क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो ये हो गया 2 * 2 = 6, 3 * 8 = 24 cm² स्क्वायर। तो ऑप्शन कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परी एंड हर फ्रेंड्स लव वेफर्स, दो हर पेरेंट्स ऑलवेज सोल्ड हर फॉर ईटिंग ओनली जंक फूड्स एंड फ्राइड आइटम्स, एंड एज सी हैज गेन्ड कंसिडरेबल वेट रिसेंटली, वन डे सी वेंट टू द मार्केट एंड गॉट दीज वेफर्स विच रियली फैसिनेटेड हर एज वेल एज देयर वेयर ट्रायंगुलर इन शेप। ये इस तरह के वेफर्स उसको दिखे। इफ इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू, देन क्या होगा। तो आपको यहां से चीजें दिख रही होंगी, ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलर किसके होगा, क्यू आर पी के ना, आई थिंक क्यू आर पी के, ठीक है। तो इसको देखते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन क्यू आर बी सी अपॉन आर पी या पी आर और AC अपॉन PQ। तो बिल्कुल ऐसा खोज लीजिए कहां पे लिखा हुआ है, ABC सिमिलर टू PQRP, ABC या फिर किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं PQR, अगर PQR है तो ये CAB होना चाहिए, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि PQR है, PQR तो ये CAB होना चाहिए। अब दूसरा देख लीजिए, जैसे ये PQR है, PQR है लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी ए बी होना चाहिए, ये ए बी सी दिखा हुआ है, यहाँ सी बी ए है, सी बी ए मतलब इस साइड, तो ये होना चाहिए पी आर क्यू, यहाँ पे पी क्यू आर है, बी सी ए होना चाहिए, बी सी ए तो ये होना चाहिए आर पी क्यू, जिस फॉर्मेट में ये रहेगा उसी फॉर्मेट में इसका सिमिलर साथी भी रहेगा, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। चलिए नेक्स्ट, एंड दिस इज गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, ताकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप अटेम्प्ट करके इसका आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कमेंट करिए। तो लगभग 19-20 सवाल हम लोगों ने लगाए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर के एमसीक्यू को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। कल हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एमसीक्यू इसी तरह के एग्जाम में भी आपके आएंगे, तो मेक श्योर जो आपको मैं डीपीपी प्रोवाइड करने वाला हूँ आज, टेलीग्राम से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल रैंकर्स NTSC, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर PDF डाउनलोड करिए, अटेम्प्ट करिए, तब जाके आपका चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश होगा। टेस्ट चालू हो चुके हैं, पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट जल्दी होंगे, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे 2 पार्ट टेस्ट 2 फुल टेस्ट हम करेंगे, सैंपल पेपर आपको मिलेगा, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पर फिनिश करते हैं चीज़ों को, फिर कल हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।